अस्सलाम वालेकुम और अचानक से रमजान बहुत बहुत मुबारक हो। अचानक से जो उन्होंने ऐलान किया है इसकी वजह से एक पूरी हफला दफरी फैल गई है और सब कुछ जो है सबकी जो भी जब सबकी प्लानिंग थी वो सारी उल्टी पुल्टी हो गई है। तो हमारी भी कुछ इसी तरह की प्लानिंग थी कि शाम से जो है छत पे जाके वीडियो स्टार्ट करेंगे फर्स्ट रमज़ान से, लेकिन जो के अचानक से चांद दिखने की वजह से पूरी प्लानिंग पे हमारे पानी फिर गया है। खैर मैं यहाँ पे कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को थोड़ी सी चांद की वीडियो दिखाने की, चांद दिखाने की, लेकिन चांद मुझे खुद भी नहीं दिख पा रहा है। मैं आप लोगों को कैसे दिखाऊँ, ये देख सकते हैं आप मेरे पीछे और इस तरफ पूरा खाली है, चांद अभी तो नहीं दिखा है और वहाँ पे पप्पा वीडियो बनाएंगे। क्या हाल है, ठीक ठाक है सब? आज से रमज़ान की पहली सहरी है, सबको बहुत बहुत मुबारक हो। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब अर्ज़े, नी हाओ और ओमुस्तगा, यानी कि काफ़ी घंटी के अंदर सुबह सुबह का सलाम हायो गुदाइमास जैपनीज में। तो हम आज मेरा चैलेंज है पराठे बनाने का, तो मैं आपको पराठा बनाना बताता हूँ किस तरह बनाते हैं। ये समझते हैं मुझे पराठा बनाना नहीं आता, तो लच्छे वाले पराठे किस तरह से बनाते हैं वो मॉर्निंग में आपको देंगे और खिलाएंगे इंशाल्लाह, देखिएगा आप भी, मज़ा आएगा। सबसे पहले नॉर्मल रोटी से बड़ा पेड़ा होता है, नॉर्मल रोटी, नॉर्मल रोटी का समझ इसका हाफ होता है, तो इसका होता है पेड़ा थोड़ा बड़ा बड़ा इसका मतलब पेड़ा भाई, क्योंकि आपको होटल के पराठे का मज़ा देगा इंशाल्लाह। जी हाँ, ये देखिए सब अच्छी तरह गोल 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 घुमाते हैं, हल्का हल्का से ये सीखना शुरू हो गया। ये देखिए लच्छेदार पराठा, ये देखिए इसके लच्छे दिख रहे हैं, गिर रहे हैं आपको गिरते हुए दिख रहे हैं, बहुत मज़ेदार पराठा होता है ये, लच्छेदार। ठीक है, ये साढ़े सात बज रहे हैं और बहुत ज़बरदस्त बारिश शुरू हो गई है। अभी मैं आपको बाहर का नज़ारा दिखाता हूँ, ये देखिए बादलों की आवाज़ सुन सकते हैं आप लोग और पप्पा भी पीछे हमारे आ गए हैं और मैं बारिश की आवाज़ से उठ कर आया हूँ, मैं भी लेट गया था जाके और हमसे रहा नहीं गया, अब हम जा रहे हैं छत पे क्योंकि मौसम हो गया बहुत ज़बरदस्त। ओए ओए ओए, क्या बादल है, क्या बादल है यार, आप बादल चेक कर सकते हैं कैसे ज़बरदस्त बादल आए हैं, वो बादल टाइट कर रखे हैं उस साइड पे, बहुत ज़बरदस्त बारिश हो रही होगी इस वक्त। वाह, सुभान अल्लाह, ऐसा लग रहा है किसी ने स्केल से बनाई है, आगे हम आपको लाइन दिखाते हैं बादलों की। वहाँ से पूरी लाइन बनी हुई, यहाँ से लेके अल्लाह ताला का आप निज़ाम देखें, कुदरत का निज़ाम कितना ज़बरदस्त, ऐसा लग रहा है किसी ने लाइन खींची हुई बाकायदा। पहले रमज़ान की सुबह तकरीबन 8 बज चुके हैं और बारिश से उसका इख्तिताम हो चुका है तकरीबन, लेकिन बादल ऐसे हैं कि पीछे हमारे बहुत ज़्यादा बरस रहे होंगे, शराब बोली गए थे वो लोग, ये देखें और पूरा हम घुमा के दिखाते हैं आपको और इंशाल्लाह हम आपको आज की सारा दिन की वीडियो हम आपको बना के देंगे और कोशिश करेंगे कि पूरा रमज़ान हम आपके साथ इसी तरह रहें। तो हमने ये 30 डेज रमज़ान चलिए हमने स्टार्ट करा है, लेकिन आपको इस बात का ख्याल रखना है कि आपकी फ़र्स्ट प्रायोरिटी पे जो है आपकी इबादत होनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा नमाज़ पढ़ें, ज़्यादा से ज़्यादा कुरान पढ़ें, जितनी इबादत कर सकते हैं करें,
और फ्री टाइम पे जो आपका लीजर टाइम हो उस पर हमारी वीडियो को एंजॉय करें। इंशाल्लाह हम आपको एंटरटेन करेंगे और बहुत ज़बरदस्त ज़बरदस्त कंटेंट आने वाला है इंशाल्लाह आपकी दुआओं के साथ। और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, बहुत सारी इबादत करिएगा। मिलते हैं जोहर में। जोहर के बाद तो हम वीडियो नहीं शूट कर सके, अब हम जा रहे हैं असर पढ़ने और असर के बाद फिर आपसे मुलाकात होती है। ये छाग वाली है और ये जैतून वाली है। आपको कौन सी लेनी होगा? बस सही है, कोई सी भी ले लो, ट्राई कर लेंगे ना। वही टू लेंगे, वो तो दो जाएंगे आगे पीछे से, दोनों ले लेंगे। निकलते निकलते अम्मी ने हमें एक काम सौंप दिया है, नमक लेने का। अब हम जा रहे हैं नमक लेने। पिंक सॉल्ट हमने ले लिया, अब हम जा रहे हैं दूध लेने। दूध भी लेना है यार, इनका दूध बहुत अच्छा होता है। इनका दूध या गाय का? इनका नहीं, भैंस का दूध बहुत अच्छा है। दूध बेच रहे होते हैं माशाल्लाह, पूरे इलाके में सबसे अच्छा दूध। अपन ने फ्री में प्रमोशन कर दिया, फ्री में प्रमोशन। असर की नमाज के बाद और थोड़ा सा कुछ सामान लेना था घर का, वो लेके हम घर की तरफ आ चुके हैं। तो इंशाल्लाह कुरान पढ़ेंगे और आप भी कुरान पढ़ेंगे। कुरान का हक है कि उसको साल में कम से कम एक दफ़ा पढ़ा जाए। अगर हम पूरे साल नहीं पढ़ते, कम से कम रमज़ान में हमें चाहिए कि कम से कम एक कुरान तो ख़त्म करें। अगर हम हर नमाज के बाद सिर्फ 4 सफ़े भी पढ़ें तो हमारा एक रमज़ान के अंदर पूरा कुरान मुकम्मल हो जाएगा। कुरान तो हमें यानी कि हर महीना हमारे लिए अल्लाह पाक का नेमत है, अल्लाह पाक की नेमत है। और हर महीने में नमाज, रोज़ा, नमाज, ज़कात, सदकात वगैरह सब चीज़ देनी चाहिए। इस महीने में ख़ासतौर पर लोग देते हैं, ये अच्छी बात है। लेकिन हर महीने आपका दिन है, हर महीने अल्लाह का दिन है, हर महीने आप हर किसी की मदद कर सकते हैं। तो ये एक छोटी सी बात है जो आपके दिनों में अल्लाह करे मोहर बन के छप जाए और सब इस पर अमल भी करें। और करते हैं, देने के नहीं करते, सब करते हैं और सबको भी करना चाहिए। जवानों को ख़ासतौर पर रोज़ा नमाज की पाबंदी करनी चाहिए। तो इसके बाद हम कुरान पढ़ेंगे, उसके बाद फिर हम इफ्तारी का कुछ सामान है वो करेंगे, दिखाएंगे आपको किस तरह क्या क्या करना है, बनाएंगे। मिलते हैं इफ्तारी के बाद। अल्लाह इफ्तारी का सामान मौजूद है यहाँ पे। आज जहाक हमें इफ्तारी बना के खिलाएंगे, इसमें फ्रेंच फ्राइज है और आलू के पकौड़े हैं। और ये इन्होंने डाला क्या डाला इसमें? कॉर्नफ्लोर डाले, थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर डाला और डालेंगे। गाली पड़ रही है हमारी। और ये उछालने से जो ना प्लेट रखने नीचे, आप ऐसा करें कोई ये नहीं। अब इसको हाथ से मिलाएं, थोड़ा सा नमक डाल। नमक कितना भाई? अरे मैं कोई चैलेंज आ रहा हूँ क्या? मुझे बनानी पड़ रही है। अरे चैलेंज को छोड़े, आप बनाए, आपके आके खाने बस। और थोड़ा सा मिर्ची डाल दें, चाट मसाला डाल दें बोले, और इसको चटपटा कर दें। फ्रेंच फ्राइज तेल गरम हो गया है और टाइम जो है ना बस बस लाएँ नीचे ना। अब थोड़े थोड़े डालें इसके अंदर, देखें कौन फ्लोर तो मिक्स हो जाएगा। मिक्स हो जाए ऐसी, हाँ हाथ बचा के। हाँ डाल दो, थोड़ा फिर छोड़ देना, उसमें बेसन लगा के डाल लगाएंगे। ये हमारे पकौड़ों का मटेरियल है, ये देखें आप किस तरह से ये पकौड़े बन जाएंगे इंशाल्लाह। अच्छे बस अब हमारा तकरीबन मटेरियल सब तैयार हो गए। इसमें पकौड़े हैं,
फ्रेंच फ्राइज है और काफी चीजें इसमें पुलाव वगैरह भी बनाया है, तो रोटी भी बन रही है, तो ये सारी चीजें अभी तैयार है हमारी इंशाल्लाह। अब आपको हम अगले रोज में मिलेंगे। नेक्स्ट वीडियो में अल्लाह हाफिज़।